करेंगे बात 3D वेंडर्स के एक अच्छे से क्लोन की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D वेंडर्स के एक ऐसे क्लोन के बारे में जो कि एक पाकिस्तान का ब्रांड है, और उसकी हम बात करेंगे, और ये है जी लश। मैंने इनके कुछ टेस्टर्स मंगवाए थे, आपको कुछ टेस्टर्स दिखवाता हूँ। गिरने लगा था अभी, ये ऑटोमोन और ये इस तरह के कुछ टेस्टर्स मंगवाए थे मैंने इनसे, तो जिसके अंदर मैंने हारमोनीस भी मंगवाया इनका। तो इनका बेसिकली जो 3D वेंडर्स क्लोन है वो दो है, एक है हारमोनीस और एक है हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट। तो आज हम बात करेंगे हारमोनीस की भी, हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट की भी, और उसका कंपेरिजन करेंगे सेंटेंस स्टोरीज के कैच 22 के साथ। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके बॉक्स की। तो ये एक सिंपल सा बॉक्स है, जस्ट लाइक सेंटेंस स्टोरीज, और सामने की तरफ और पीछे की तरफ लश लिखा है, लश फ्रेगरेंसेस, द फ्रेगरेंस यू विल नेवर फॉरगेट। और लेफ्ट साइड पे वेलकम टू द फैमिली, मेड इन पाकिस्तान, लश का लोगो ऊपर नीचे, और एक साइड पे इन्होंने कॉशन और मैन्युफैक्चर्ड और हेल्पलाइन वगैरह लिखी है। तो एक सिंपल सा बॉक्स है जिसके अंदर इन्होंने बोतल को फिट किया होता है। सबसे पहले बात कर रहे थे इसकी बॉटल की, तो ये देखिए इसकी बॉटल, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद है कि नज़र आ रही होगी। तो ये इसकी बड़ी प्यारी सी बॉटल है, 60ml की बॉटल है इनकी, और इसके फ्रंट पे ये स्टिकर लगा हुआ है हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट का। थोड़ा मेरा कैमरा ज़रा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको थंबनेल में ज़रा इसकी अच्छी सी पिक्चर डाल दूँगा। तो ये है हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट, और इसका हमने आज कंपेरिजन करना है कैच 22 के साथ। ये रही सेंटेंस स्टोरीज की कैच 22 की बॉटल जो कि 50ml है, और ये है जी 60ml बॉटल लश फ्रेगरेंसेस की। तो आज हम इन दोनों का ही रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों से कौन सी बेटर है। जिन लोगों ने कैच 22 का मेरा रिव्यू नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मेरा कैच 22 का रिव्यू देख सकते हैं। और इन दोनों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे जो इन्हीं का दूसरा है लश फ्रेगरेंसेस का, हारमोनीस सिंपल हारमोनीस, उसकी भी बात करेंगे। ये है हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट। तो इन तीनों को ही साइड बाई साइड रख के हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनके नोट्स की बात कर लेते हैं। तो इनके नोट्स जो हैं मैं बताऊंगा नहीं दोबारा से, लेकिन इनके नोट्स जो हैं वो सेम है इनकी वेबसाइट्स पे। ये कैच 22 हो गया, 3D वेंडर्स हो गया, हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट हो गया, या हारमोनीस हो गया, इनके नोट्स इन्होंने लिखे हुए हैं वो सेम है, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, लिखने में सेम है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ील होने में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कैच 22 की, तो जो कैच 22 है और जो लश का हारमोनीस है, डिटो सेम, मुझे इनमें डिफरेंसेस फील ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि जैसे मैंने या तो कैच 22 लगाया या हारमोनीस लगाया, बिल्कुल सेम फ्रेगरेंस भी बिल्कुल सेम है दोनों की, इसकी हारमोनीस की और इसकी हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं हारमोनीस की बात कर रहा हूँ जो सिंपल हारमोनीस है। तो सिंपल हारमोनीस और इसमें 0% मैं कह रहा हूँ या 1-2% डिफरेंस होगा मैक्सिमम, इतना डिफरेंस है, वो भी कंसनट्रेट का शायद डिफरेंस हो, लेकिन और कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके मतलब जो सारी रिव्यू है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं जाके। अब हम कंपेयर करेंगे बेसिकली इसके साथ, हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट के साथ कैच 22 को, क्योंकि यही है जो मेन डिफरेंस है जहाँ पे आपको नज़र आता है, और वो इसके अंदर ही मिलेगा। आगे जाने से पहले जो लोग नए हो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, और मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। नोट्स तो सेम है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं आप इसकी प्रेजेंटेशन देख लें, इसकी बॉटल देख लें, और अभी फर्म है इसका कैप, पकड़ेंगे गिरेगे नहीं, ये इसका कैच 22 का तो डील है। अच्छा चलें, तो ये इसका एटमाइज़र भी इसका अच्छा है, मुझे इसका एटमाइज़र अच्छा लगा, ये देखें बहुत ही अच्छा एटमाइज़र है, तकरीबन कैच 22 जैसा ही है, दोनों के एटमाइज़र्स बहुत अच्छे हैं। तो अब इसकी और इसकी खुशबू में क्या डिफरेंस है? अब मैंने कोई 5-6 माह पहले इसकी वीडियो बनाई थी, ये तब भी आता था, आज भी आता ही है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो जो सिट्रस पन है वो मुझे तंग करता है, मुझे सिट्रस इतना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ये इतना पसंद नहीं है, और ये इतना कोई क्लोज भी नहीं है उसके सेंटेंस और क्रीड एवेंटस के। लेकिन जो ये है ना हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट, ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो इसके अंदर जो मुझे पाइनएप्पल चाहिए था ना, वो इसमें है, इसमें पाइनएप्पल है। जब आप इसका फर्स्ट स्प्रे करेंगे, एक दफ़ा और स्प्रे करते हैं, जब आप इसका फर्स्ट स्प्रे करेंगे
आपको पाइनएप्पल मिलेगा, आपको फर्स्ट पे भी पाइनएप्पल मिलेगा और इसके फर्स्ट पे भी आपको मिलेगा सिट्रस। बेसिकली टॉप नोट पे आपको दोनों में पाइनएप्पल और बर्गमोट मिलता है दोनों में, लेकिन जो आपको आपको फील होता है ना, इसमें आपको सिट्रस फील होता है, इसमें आपको पाइनएप्पल फील होता है, और वो पाइनएप्पल जो है वो ज़्यादा टाइम रहता है बनिस्बत इसके कैस्टोरिटो के सिट्रस के, जो कि सिट्रस तंग करता है। इसके अंदर पाइनएप्पल बहुत थोड़ा है, इसके अंदर पाइनएप्पल बहुत मज़े का पाइनएप्पल है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, पाइनएप्पल मिलेगा स्टार्ट पे, हल्का सा सिट्रस, और उसके बाद थोड़ा सा ये लास्ट पे मिठास और थोड़ा सा स्मोकी हो जाएगा, थोड़ा सा मिठास और स्मोकीनेस आएगी इसके अंदर। और ये बनिस्बत कैस्टोरिटो के ज़्यादा क्लोज है क्रीड एवेंटस के मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर तो स्मोकीनेस भी नहीं आती वो लास्ट पे, और बस सिट्रस रहता है। तो इसके अंदर पाइनएप्पल स्टे भी ज़्यादा करता है, हल्का सा सिट्रस और लास्ट पे स्मोकीनेस, बेहतरीन बेहतरीन। अब बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन की इनके सियाज की, तो सियाज दोनों का ही ठीक है, मॉडरेट सियाज है दोनों का, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सियाज नहीं है, मॉडरेट सियाज है। आपने अगर लगाई हो तो आप एक कमरे में से अगर गुजरे हैं तो ठीक है, वो आप नोटिस हो जाएगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, तो इतना ही है इन दोनों का सियाज, तो मॉडरेट सियाज है इनका। अब जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी कैच 22 की, तो उसमें मैंने बताया था कि इस ये 15 मिनट तक इसकी प्रोजेक्शन रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, आपको फील नहीं होता, बेसिकली नोज बैंड कर देता आपको, बाकियों को हल्का हल्का सिट्रस आ रहा होता है, आपको भी सिट्रस ही आता है, कुछ नहीं आता, तो 15 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पाइनएप्पल है जो कि 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट करता है, और पाइनएप्पल का स्टे भी ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट तकरीबन ये दोनों सेम करते हैं। प्रोजेक्शन मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी है और उसकी बहुत ज़्यादा कम है, प्रोजेक्शन दोनों के सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग पे सिट्रस हल्का सा पाइनएप्पल वगैरह मिलता है और थोड़ा सा ही मीठा होता है, लेकिन ज़्यादा शिफ्ट नहीं करता, मोस्टली ये सिट्रस रहेगा, ये शिफ्ट करता है, ये आपको स्टार्टिंग में पाइनएप्पल हल्का सा सिट्रस देगा, उसके बाद शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा फ्लोरल होगा, फिर उसके बाद शिफ्ट करेगा, फिर थोड़ा सा मीठा वनीला और ज़रा थोड़ा सा स्मोकी हो जाएगा। बात करते हैं इनकी लॉन्जिविटी की, तो दोनों ही 5 से 6 घंटे निकालते हैं, ये कोई 5 घंटे निकालता है, ये कोई 5 से 6 घंटे भी निकाल देता है, डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, और आप अपनी पल्सिस पे और अपने क्लोथ दोनों पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे दोनों। और इसकी 5 से 6 घंटे परफॉर्मेंस है, 6 घंटे तो कम अज़ कम देगी ये, 6 घंटे कहीं जाता, और ये 5 घंटे 4-5 घंटे जाता है बस। पहले 3 घंटे जो है ना, ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन चूंकि ये शिफ्ट करता है, इसके बेस नोट्स अच्छे हैं, मुझे इसके अच्छे लगे हैं, ये शिफ्ट नहीं करता, सिट्रस ही रहता है, तो 3 घंटे के बाद ये बहुत कम हो जाता है, ये शिफ्ट करता है तो ये 5-6-7 घंटे तक भी चला जाता है, तो ये मुझे बेहतर लगता है इससे, इसके लॉन्जिविटी के लिहाज से। आगे जाने से पहले जो लोग नए हो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, और मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। अब अगर बात की जाए प्राइस रेंज की, तो ये जो कैच 22 है ये आपको 1600 समथिंग का मिल जाता है, और जो इनका ही लश्का है हारमोनियस, पाइनएप्पल लास्ट की नहीं बात कर रहा मैं, हारमोनियस, वो भी आपको 1600 समथिंग का मिल जाता है, मतलब सेम प्राइस, और 50 ml बॉटल उनकी 60 ml बॉटल, और ठीक है दोनों सेम टू सेम, लेकिन ये जो है पाइनएप्पल ब्लास्ट ये थोड़ा महंगा है, ये तकरीबन आपको 2000 तक मिलेगा, और हाँ डिलीवरी फ्री है, मुझे डिलीवरी फ्री मिली है, वो कोई शायद नहीं चल रहा है, तो फ्री डिलीवरी में हारमोनियस पाइनएप्पल ब्लास्ट 2000 का आपको मिल जाएगा पाइनएप्पल ब्लास्ट, लेकिन क्या है 50 ml ये 60 ml पाइनएप्पल, इसमें पाइनएप्पल बहुत कम है, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है, इससे बेहतर ऑप्शन है प्राइस के लिहाज से भी। मैंने कहा था कि ये जो कैच 22 है इसको आप दिन में 2 दफ़ा लगा लें, सारी बात है इतने में सेंटेंस स्टोरीज दे रहा है आपको, कहते हैं क्रीड एवेंटस, तो दिन में 2 दफ़ा लगा लें, यूज़ कर लें, आपका गुजारा हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही है, लेकिन ये अगर आपको 6-7 घंटे का इवेंट है या टाइम गुजारना है तो ये निकाल जाएगा, आपको एक दफ़ा यूज़ करें, 4-5 स्प्रे कर लें आप, इसके भी 4-5 स्प्रे कर लें आप, तो ये निकाल जाएगा टाइम आपका। तो मुझे पर्सनली तौर पर इनका ये हारमोनियस पाइनएप्पल ब्लास्ट बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने इस वजह से ही इसके ऊपर वीडियो बनाई, और टेस्टर्स मैंने इनके और भी मंगवाए हैं, मुझे और भी इनकी परफ्यूम्स ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह और भी रिव्यू करूँगा इनकी कैच 22 के साथ और बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कंपेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने सईदगंज का ट्राई किया, और भी काफ़ी लोकल ब्रांड्स चल रहे हैं आजकल, तो उनके मैंने ट्राई किया, लेकिन जो मुझे ये इसका पाइनएप्पल ब्लास्ट लगा ना, मुझे ये नहीं लगा, मुझे कोई नहीं लगा, इट इज़ वे मच क्लोज़र टू द ओरिजिनल क्रीड एवेंटस देन दिस वन। जो मैंने क्रीड एवेंटस 18वां बैच स्मेल किया था, तो ये उसके बहुत क्लोज है बनिस्बत इसके,
तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए या मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप लश का हारमोनीस पाइनएप्पल ब्लास्ट लें। पाइनएप्पल सिंपल हारमोनीस नहीं लेना आपने, वो सेम इस तरह का है। तो आपकी कोशिश करनी है कि आपने लेना है हारमोनीस का पाइनएप्पल ब्लास्ट। एक तो ये 60 ml की बॉटल है, थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाता आपको तो, लेकिन पाइनएप्पल बहुत अच्छा है इसके अंदर। जिन लोगों को पाइनएप्पल पसंद है और वो मिस कर रहे थे पाइनएप्पल इसके अंदर, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और ये आपको एक अच्छा फील करवाएगा और एक अच्छी फ्रेगरेंस है। और मैं इनके और भी जो ब्रांड्स, इनके और भी जो परफ्यूम्स हैं वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अगर मेरे से पूछेंगे आप तो मैं कहूँगा कि सिंपल हारमोनियस या कैच 22 एक साइड पे, और हारमोनियस पाइनएप्पल ब्लास्ट एक साइड पे, एंड द विनर इज़ हारमोनियस पाइनएप्पल ब्लास्ट। तो जो लोग पाइनएप्पल पसंद करते हैं वो ये ट्राई कर सकते हैं और ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनका जो है दे दूंगा, लिंक नीचे दे दूंगा, और इनका जो व्हाट्सएप है शायद या इंस्टाग्राम है मेरे ख्याल से, वो मैं नीचे दे दूंगा लाजमन, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ आप समझते हैं कोई ऐसा ब्रांड है जिसका क्रीड वेंटस या इसके परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनके भी ट्राई करूँगा, उनके भी वीडियोस बनाऊँगा। और अभी बहुत परफ्यूम्स रहते हैं जिनके भी वीडियोस बनानी है, और इंशाल्लाह बस टाइम के साथ साथ बना लेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।